जी टीवी पर इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा लिटिल चैंप्स की धूम मची हुई है। इस बार शो में कमाल के नन्हे कलाकार आए हैं जो अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से जजेस और जूरी का दिल जीत रहे हैं। इस शो को अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण जज कर रहे हैं। हाल ही में शो पर ग्रैंड प्रीमियर हुआ जिसमें इंडस्ट्री के फेमस प्यारे लाल जी पहुंचे और सभी ने उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने सभी को गायकी की बारीकियाँ सिखाई। इस दौरान शो के जजेस भी प्यारे लाल जी के गाने गाते नजर आए। एपिसोड के दौरान कुमार सानू प्यारे लाल जी से उनके गाने एक हसीना थी पर बात करते नजर आए। कुमार सानू ने प्यारे लाल जी से कहा कि जब आपका ये गाना बना था तब मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं इस गाने की रिकॉर्डिंग में शामिल हूँ, लेकिन मैं नहीं हो पाया, तो क्या आपकी इजाज़त है मैं ये गाना यहाँ गाना चाहूँगा। कुमार सानू की इस बात पर अलका याग्निक ने कहा कि प्यारे लाल जी इस गाने को अगर आप कंडक्ट करेंगे तो और भी अच्छा होगा। इस पर प्यारे लाल जी तैयार हो गए और सभी को कहा कि इस गाने की खूबसूरती इसकी शांति है, तो सभी एकदम शांत रहिए। इसके बाद कुमार सानू और अलका याग्निक ये गाना गाते नजर आए और प्यारे लाल जी ने इसे कंडक्ट किया। अलका याग्निक और कुमार सानू ने बड़ी ही खूबसूरती से ये गाना गाया। गाने के बाद कुमार सानू ने प्यारे लाल जी से पूछा, आप बताएंगे कि हमने कैसा गाया। इस पर प्यारे लाल जी मजाक में बोलते दिखे कि बहुत ही अच्छा गाया, ऐसा लग रहा था कि सच में एक हसीना है और एक दीवाना। इस पर सभी हंस पड़े। इस दौरान उदित नारायण ने कुछ पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब मैं स्ट्रगलर था तो जब भी मौका मिलता था प्यारे भाई के घर पहुँच जाया करता था, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस टाइम ये इंडस्ट्री के राजा थे, हजारों लोग हजारों गाड़ियाँ इनका इंतज़ार करती थी। ये जितने भी गाने हैं ढपली वाले, ओम शांति ओम, सब मेरे सामने रिकॉर्ड हुए हैं। ऐसे ही इंतज़ार करते करते मुझे लगभग 2 साल हो गए। मैं महबूब स्टूडियो में रात तक बैठा हुआ था, तभी प्यारे भाई ने मुझे बुलाया और कहा कि आज तुम्हारा गाना सुनेंगे। फिर मैंने इन्हें एक छोटा सा फोक सॉन्ग सुनाया, तब उन्होंने जो कहा इस पर आप विश्वास भी नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ का जादू इस मुंबई शहर में एक दिन ज़रूर चलेगा। ये बताते हुए उदित नारायण थोड़ा सा इमोशनल होते नजर आए और उन्हें सुनकर बाकी सब भी थोड़ा भावुक हो गए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।